ऑल राइट, गुड मॉर्निंग बेटे. सो कोरिलेशन के हमने दोनों मेथड्स कर लिए, स्कैटर डायग्राम भी एंड कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. स्कैटर डायग्राम इज डायग्रामेटिक बेस्ड मेथड. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ से हमें एग्जैक्ट नेचर, एग्जैक्ट डिग्री के बारे में, नेचर तो पता चल जाती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन एग्जैक्ट डिग्री नहीं पता चल पाती. ठीक है, तो उसकी शॉर्ट कमिंग को ओवरकम करने के लिए कार्ल पियर्सन ने एक मैथमेटिकल मेथड दिया. जो कार्ल पियर्सन ने फॉर्मूला दिया टू फाइंड आउट आर विच इज अ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, वो ये था, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. तो हमने इनमें कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज पुट की एंड देन वी गॉट दी फॉर्मूला. ठीक है, जो डिराइव्ड फॉर्मूला है, क्योंकि डजंट मेक एनी सेंस कि हम कोवेरियंस अलग से निकालें, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की निकालें. तो हमने इन सब की वैल्यूज पुट करके हमने एक फॉर्मूला ले लिया. अब अगर हमने एक्चुअल मीन से डेविएशंस ली तो एक्चुअल मीन का फॉर्मूला आ गया, अगर हमने कोई डेविएशंस नहीं ली तो उसको हमने डायरेक्ट मेथड का नाम दे दिया, और अगर हमने डेविएशंस ली अज्यूम्ड मीन से सो वी कॉल इट शॉर्टकट मेथड. ठीक है, ओरिजिनल फॉर्मूला इज दिस. डिराइव्ड अगर आप कहते हो तो मैं एक बार लिख देती हूँ. सबसे पहले कौन सा, फर्स्ट इज एक्चुअल मीन. ठीक है, आप साथ साथ इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट, क्योंकि हमने अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं. एक्चुअल मीन मेथड आर इक्वल्स समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इनटू समेशन वाई स्क्वायर अंडर द रूट. हियर एक्स स्टैंड्स फॉर एंड वाई स्टैंड्स फॉर, वी मेक यूज ऑफ दिस मेथड व्हेन एक्स बार एंड वाई बार आर होल नंबर्स. सेकेंड इज अ डायरेक्ट मेथड. दिस इज द मेथड इन विच वी डू नॉट टेक एनी डेविएशंस. ठीक है, तो हियर द फॉर्मूला अज्यूम्स दिस, समेशन एक्स इनटू वाई माइनस समेशन एक्स इनटू समेशन वाई अपॉन एन, दिस होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन अंडर द रूट इनटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर ओवर एन अंडर द रूट. इस मेथड को हम कब यूज करते हैं, जब एक्स और वाई की वैल्यू स्मॉल है, 50 तक भी हो तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं. थर्ड इज अ शॉर्टकट मेथड. में कुछ अलग नहीं लर्न करना इससे, जहां पर एक्स है उसकी जगह क्या लिख देना है, डी एक्स. सो आर इक्वल्स समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन एन, दिस होल डिवाइडेड बाय समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स होल स्क्वायर ओवर एन अंडर द रूट इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई होल स्क्वायर ओवर एन अंडर द रूट. जब हमें कुछ नहीं समझ में आए तो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस मेथड, मतलब प्रेफरेबली यू शुड मेक यूज ऑफ दिस मेथड. ठीक है, सो दीज आर द थ्री मेथड्स. तो हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, आपको पता चल गया है कैसे क्वेश्चंस होते हैं. आपको एक्स और वाई गिवन है, उसकी वैल्यूज गिवन है, तो बाय यूजिंग मेकिंग यूज ऑफ एनी ऑफ दीज फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट आर, व्हाट इज आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इसकी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, इट्स अ प्योर नंबर विदाउट एनी यूनिट. आर इज अ प्योर नंबर विदाउट एनी यूनिट. ठीक है, देन लिख लो चाहे इसकी प्रॉपर्टीज. Properties of coefficient of correlation. R is a pure number. That is, it has no units. मतलब x चाहे rupees में है, y kgs में है, Rx y के कोई units नहीं है. It's a coefficient. Coefficient हमेशा pure number होता है.
विदाउट एनी यूनिट्स होता है, ठीक है. देन द वैल्यू ऑफ आर लाइज इन बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन. आर की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन. दैट इज, ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, माइनस वन इस तरह से, है ना. आर इज लेस देन इक्वल टू वन, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, ठीक है. अगर आपका रेंज एक्सीड होती है, यानी आर का आंसर आ जाता है 1.2, देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक. उसी टाइम इट्स एन अलार्मिंग बेल, वार्निंग बेल है आपके लिए ये, कि ये आंसर आपका गलत है, कहीं ना कहीं आपसे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है. आर की वैल्यू प्लस या वन से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, प्लस माइनस वन से. इफ आर इज इक्वल टू जीरो, देन द टू वैल्यूज आर अनरिलेटेड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आर जीरो आ जाता है, इफ आर इज इक्वल टू जीरो, द टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड. अनकोरिलेटेड, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ आर इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, चाहे प्लस वन आए चाहे माइनस वन आए, व्हाट डज इट इंप्लाई? देयर एग्जिस्ट्स परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. एग्जैक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन है. बस, और ये भी आपको पता चली गया, लिख लो लिखना है तो. If R is negative, it implies that the two variables move in opposite direction. अगर R negative आ रहा है तो इसका मतलब वो opposite direction में move कर रहे हैं, यानी अगर X की value बढ़ेगी तो Y की कम होगी. जैसे price and demand में अगर आप correlation find out करोगे तो इसका answer minus में आएगा या नहीं? क्या relation है price और demand में? Negative. प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है. इफ आर इज पॉजिटिव, इट इंप्लाइज दैट बोथ द वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन. जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपकी पॉकेट मनी बढ़ेगी तो आप खर्चा बढ़ाओगे ना अपना, इसका मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है. हायर, जितना ज्यादा वन के नजदीक होगा उतनी हाई कोरिलेशन, और जितना जीरो के नजदीक होगा आंसर उतनी लो कोरिलेशन. क्लियर है? शैल वी मूव अहेड? सो यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू डेटा, डेटाबेस क्वेश्चंस आपने सारे कर लिए, है ना. अब कई बारी क्वेश्चंस आ जाती है, जनरली क्वेश्चंस जो हमने किए डेटाबेस वो 6 मार्क्स के आते हैं. अभी तो आपका सब्जेक्टिव आना है बेटे पेपर, तो सब्जेक्टिव में ये होती है मार्किंग. अभी इस बार ही कुछ चेंज हो जाए तो वी कांट से, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है. तो टर्म टू में आपकी 1, 3, 4, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. तो जो डेटाबेस क्वेश्चंस हैं, जब आपको पूरा डेटा गिवन है, आपको कोरिलेशन फाइंड आउट करनी, वो 6 मार्क्स का आता है जनरली, ठीक है. और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस. उसमें आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जैसे इस केस में आपने फाइंड आउट किया व्हाट इज समेशन डीएक्स, व्हाट इज समेशन डीवाई, यू हैव फाउंड इट आउट. स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है, भाई ये इतना है, ये इतना है, फाइंड आउट आर. और उसमें कई बार आर गिवन होता है, कुछ और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है. तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस. दे कम फॉर जनरली 3 to 4 मार्क्स, ठीक है. तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं. राइट डाउन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. ये आपको एक टेबल उन्होंने बना के दिया है. From here you will come to know about the information given to you.
नंबर ऑफ आइटम्स, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड यू आर गिवन राइट डाउन सम ऑफ SUM. ये इतना नोट डाउन कर लिया बेटे, पहले नोट डाउन करो इतना. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ x इज 8, इन केस ऑफ y इट इज 4, राइट. सम ऑफ SUM, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस, राइट डाउन पूरा. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ बोथ द सीरीज फ्रॉम एक्चुअल मीन. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ बोथ द सीरीज फ्रॉम एक्चुअल मीन इक्वल टू 300. ठीक है, अब देखो ये क्लियर कट इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन गिवन. तो दूसरी आपको क्या बताई इंफॉर्मेशन, क्या दी है? सम ऑफ, सम ऑफ मींस सिग्मा. प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन. किसका प्रोडक्ट? डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई बोथ दी सीरीज फ्रॉम एक्चुअल मीन. मतलब दोनों सीरीज की डेविएशंस एक्चुअल मीन से ली, उसको मल्टीप्लाई किया, उसका टोटल लिया, वो 300 है. डेविएशंस जब हम एक्चुअल मीन से लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x माइनस x बार यानी स्मॉल x, y माइनस y बार यानी स्मॉल y, विच मींस यू आर गिवन समेशन x y इक्वल टू 300. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ x एंड y फ्रॉम x बार 300. अब आपको r कैलकुलेट करना है. अब इस तरह के क्वेश्चंस में ना आप ये नहीं कि जौन सा मर्जी फॉर्मूला आपने कहा अच्छा मैंने तो ये याद किया हो इस फॉर्मूला से मैं आंसर निकाल लेती हूँ. नो, यू हैव टू सी कि आपकी इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. बेटे जो रिसोर्सेज गिवन है उसी से चीजें बना सकते हो ना. अगर मैंने आपके आगे पेन का कैप रख दिया, पेन का खोल रख दिया, रिफिल रख दी, इंक रख दी, तो आप उसका पेन नहीं बना पाओगे ना, पेपर तो नहीं बना पाओगे ना. सो डिपेंडिंग अपॉन द इंग्रेडिएंट्स यू हैव टू मेक यूज ऑफ फॉर्मूला. सो सी व्हाट इज गिवन, समेशन एक्स वाई. ठीक है, अब ये फॉर्मूलाज है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये नहीं है, ये नहीं यूज हो सकता, ये वाला तो कुछ भी नहीं गिवन. तो ये हमारा एक ओरिजिनल फॉर्मूला है. क्या है वो? कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. तो हमें क्या गिवन है? समेशन एक्स वाई गिवन है, इससे हमारे पास कोवेरियंस आ जाएगा. ठीक है, और क्या गिवन है? डिनोमिनेटर गिवन है. ठीक है, तो वी कैन लिखो, वी नो दैट आर इज इक्वल टू, सॉल्यूशन लिखो इसका, आर इक्वल्स कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. और गिवन क्या है हमें? एन इक्वल्स 10, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 8, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई 4, समेशन एक्स वाई 300. ये गिवन है और हमने इसको इस फॉर्मूला में ही पुट कर सकते हैं क्योंकि और कोई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है. तो पहले कोवेरियंस फाइंड आउट कर लें. इट इज समेशन एक्स वाई अपॉन एन. समेशन बेटे जो भी न्यूमरेटर है ना फॉर्मूला का,
उसको ओवर एन कर दोगे, कोवेरियंस आ जाएगा। समेशन एक्स वाई कितना है, एन कितना है, कितना आ गया 30। तो वैल्यू पुट कर दो आर की, 30 ओवर 8 इंटू 4, 30/32, 15/16, 0. देखो क्या आंसर आता है, वेरी सिंपल बेटे, फॉर 3 marks, isn't it? ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट इंटरप्रेट करो, पॉजिटिव एंड हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। सो वन मोर क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप वी विल बी डूइंग, राइट डाउन द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज। From the following data, compute coefficient of correlation between x and y series. This is the information given. First is number of items. 6 in both the case. Dono ka same hi hoga hamesha. अर्थमेटिक मीन मतलब एक्चुअल अर्थमेटिक मीन गिवन है आपको 350, 138, स्क्वेयर ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ कर लो, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन 1994। बेटे नोट डाउन कर, फिर आपका मिस हो जाता जब मैं लिखवाती हूं तो। हैव यू नोटेड, लास्ट में लिखो समेशन ऑफ, यहां लिखो समेशन, हाँ जी, of product of deviations of x and y from their respective arithmetic mean 41, sum of product of deviations of x and y from their respective arithmetic mean 41, ठीक है। अब सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू यू, सिक्स्थ डी लिखा है, सिक्स्थ, ओके, गिवन क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी एन, सिक्स, अर्थमेटिक मीन एक्स बार वाई बार, सम ऑफ मीन्स
स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, यानी एक्स की डेविएशंस एक्स बार से, उसको स्मॉल एक्स कह देंगे. समेशन एक्स स्क्वायर इज 19 एंड समेशन वाई स्क्वायर दैट इज 94. ठीक है, और क्या गिवन है? समेशन मींस सिग्मा, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मींस, यानी एक्स इनटू वाई. 41. ठीक है, सो इवन दो आई हैव लिस्टेड ऑल दीज फॉर्मूलाज फॉर यू, सो इट्स नाउ इजियर to find out which formula actual mean. So likho, we know that r is equal to, ye aapko aapki ab judgment hai bete ke depending upon the information aap kaun sa formula apply karoge. So jitni bhi aapko values given hai, they are deviations from actual arithmetic mean, right? So this formula has to be used. R equals summation xy, that is 41 over summation x square 19 under the root, summation y square 94 under the root. Dono ko pehle multiply kar lo, fir square root nikalo. Alag alag nikalna mushkil lagega, so multiply kar lo. So, बेटे देखो बहुत इजी है. 40 का स्क्वायर 1600 होता है, है ना? तो ये 1600 से कुछ ज्यादा है. दूसरी बात, 41 से ये डिनोमिनेटर, यहां तो 41 आना चाहिए या 41 से ज्यादा आना चाहिए. अगर इसकी वैल्यू 41 से कम चली गई तो 1 से ज्यादा कर जाएगी वैल्यू, वो पॉसिबल केस नहीं है. तो इसका मतलब आपका आंसर आपको पता होना चाहिए, कहीं ये जो इसका स्क्वायर रूट है वो 41 से ज्यादा है. 41 तो है ही नहीं, 40 तो नहीं है, हाँ ज्यादा होना चाहिए ना. ठीक है, हाँ जिन्होंने जिन्होंने बुक्स खोली हुई उनका तो फटाफट आ गया ना आंसर. कॉपी डाउन ही करना है, यू डू इट ऑन योर ओन. मैंने आपको स्पेसिफिकली कुछ बोला ही नहीं पूरा, मैंने कहा जिन्होंने बुक्स खोली. ठीक है, सो फाइंड दिस आउट. चलिए बेटे करिए, क्या सोचने बैठ जाते हो? जो काम करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर. रमनीक, स्क्वायर रूट. अनन्या, यू हैव डन इट योरसेल्फ और कॉपी डाउन फ्रॉम द बुक? बिल्कुल जी, बिल्कुल. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर गिवन आर समेशन एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, समेशन एक्स स्क्वेयर. You have to find number of observations. ठीक है, अब
हमें मालूम है आर जो है डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन वी शुड मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला. देख लो पहले ध्यान से. ठीक है, वेयर न्यूमरेटर इज गिवन, समेशन एक्स स्क्वायर इज गिवन, समेशन वाई स्क्वायर इज नॉट गिवन. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन वाई, समेशन वाई स्क्वायर, या हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन वाई गिवन है आपको. व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन वाई? समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन अंडर द रूट. ठीक है, तो क्योंकि इस फॉर्मूला से अब हमारे पास एन तो है नहीं है, हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन वाई है. अगर हमारे पास एन होता तो हम समेशन वाई स्क्वायर ले लेते, लेकिन हमारे हमें एन ही तो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हाउ टू फाइंड दैट आउट? हम चलो इसको क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं इसको. लेट्स सी, दोनों इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. यू आर गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन अंडर द रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर रूट, सॉरी ये है समेशन वाई स्क्वायर कितना गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, दोनों साइड को स्क्वेयर कर लो, स्क्वेयर रूट कट जाएगा. समेशन वाई स्क्वायर कितना आया? 64 इंटू एन. ठीक है, नाउ इसमें वैल्यूज पुट करो. समेशन एक्स वाई 120, समेशन एक्स स्क्वायर इज 90, अंडर द रूट आर गिवन है आपको 0.5, और समेशन वही बात आ गई 64 एन अंडर द रूट. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर स्क्वेयरिंग करोगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ एन. सो ये घर से करके लाइएगा बच्चे. ये ले लो बुक.